एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा शासन करते थे। उनके पास एक आलीशान महल था। महल के अंदर सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। इसके साथ ही एक आलीशान महल में एक बहुत ही सुंदर बगीचा भी था। राजा ने इस बगीचे में एक बहुत खूबसूरत अंगूर का पेड़ लगाया था। इस अंगूर के पेड़ पर अच्छी अच्छी तादाद में बहुत सारे अंगूर लगे हुए थे। वे काफ़ी अच्छे दिखाई देते थे और स्वाद में भी बहुत मीठे थे। रोजाना इस अंगूर के पेड़ पर एक चिड़िया आती और अंगूर खाती। चिड़िया अंगूर तो खाती, लेकिन वह केवल मीठे ही अंगूर खाती, बाकी खट्टे अंगूरों को नीचे फेंक देती। यह सिलसिला इस पेड़ पर कई दिनों से देखने को मिल रहा था। इस पूरे वाक्य को एक माली रोज ही देखता था। माली ने कई दिनों तक उस चिड़िया को वहां से भगाने के लिए बहुत प्रयास किए और कोशिश की कि वह चिड़िया को सबक सिखाएगा, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और वह चिड़िया वहां आती और रोज की तरह अंगूर खाकर चली जाती। चिड़िया हर बार किसी न किसी तरह से खुद को बचा लेती और अगले दिन फिर आ जाती। आखिरकार माली इन सब से परेशान होकर राजा के पास गया और राजा को सारी बात विस्तार से बताई। राजा ने माली को कहा कि वे खुद इस मामले को देखेंगे और समझेंगे कि आगे क्या करना है। राजा ने अगले ही दिन इस काम को देखने के लिए बगीचे की तरफ चल दिए। राजा ने अपनी सूझबूझ से इस बार चिड़िया को पकड़ लिया, लेकिन चिड़िया भी कम समझदार नहीं थी और उसने राजा के सामने अपनी बात रखी। चिड़िया ने राजा से कहा कि मैं आपको चार ज्ञान की बातें बता सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे छोड़ना होगा। राजा ने कहा ठीक है और चिड़िया की बातों को सुनने लगे। चिड़िया ने कहा, पहली बात तो यह है कि हाथ आए दुश्मन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और अंत में तीसरी जरूरी बात यह है कि जो भी हो चुका है उसका कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। इसके बाद चौथी बात बताने से पहले चिड़िया ने राजा से कहा, राजा जी आप मुझे थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। राजा ने जैसे ही चिड़िया को ढीला छोड़ा और वह उड़ गई और बोली कि मेरे पेट में दो हीरे हैं। राजा को यह सुनकर काफी पश्चाताप हुआ और राजा को गुस्सा भी आने लगा। यह सब देखकर चिड़िया ने राजा से कहा, पहली बात जो मैंने आपसे कही थी कि हाथ आए दुश्मन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर भी आपने मुझ पर भरोसा किया। तीसरी बात यह है कि जो हो गया उसका पश्चाताप नहीं करना चाहिए, फिर भी आप मेरे बारे में सोच रहे हैं। चिड़िया ने कहा, राजा जी ज्ञान की बातें केवल सुनने ने पढ़ने से कुछ नहीं होता, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारना भी बेहद जरूरी होता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हम भी अपने जीवन में हजार कहानियां सुनते हैं, हजार प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उनको अपनी जिंदगी में कभी अप्लाई नहीं करते, जिससे हम जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।